हूं भाई बैग देख वो नहीं है वाइज बोल मेरे पास फोन है वाइज बोल जरूरी नहीं मुझे लेना देना है सीरियल इस तरफ मैडम खबर खिलाड़ी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड गुड ह्यूमन बींग ये प्रीतिका है और ये पहला एल्बम है ये शुरुआत है आप जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रेडिक्शन है कि आप ज़रूर इन्हें हिंदी फिल्म्स और पंजाबी फिल्म्स में भी देखेंगी शी इज़ नॉट ओनली अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड अ ह्यूमन बींग शी इज़ अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस एंड मैं इनसे मिलने से पहले आई वॉज अ फैन ऑफ हर वर्क एंड मैंने इन्हें बताया जब मिला कि यू नो आई लव्ड योर वर्क इन योर सीरियल्स सो ऑल द बेस्ट टू हर एंड मेनी मोर टू कम थैंक यू सो मच चर्चा इस बात की है कि क्यों नहीं है टीआरपी क्यों नहीं है अच्छे कंटेस्टेंट्स बहुत सोच समझ के जोड़ी का जो है ये सीज़न बनाया है बट जोड़ी गे कपल्स का हो सकता था लेस्बियन कपल्स का हो सकता था सास बहू का हो सकता था यू नो लिव इन रिलेशनशिप में कोई है उनका हो सकता था जीजा साला हो सकता था ये पुलिस ये और बिजनेसमैन फार्मर कोई दिख नहीं रहा है एंड एवरीबडी सीम्स टू बी ए कॉपी ऑफ समबडी फ्रॉम द प्रीवियस सीजन सो एंड सब रेडी होके आए कि हमें खेलना है दिखना है एंड पीपल आफ्टर गेटिंग नॉमिनेटेड आर सेइंग कि हम तो आ रहे हैं ना ओप्पो के उसमें आ रहे हैं दिख गए एंड सारे के सारे शिल्पा के तरह या मेरे तरह जाके किचन में रह जाते हैं किचन में रहने से कोई नहीं जीतता है यू हैव टू प्ले यू हैव टू बी ऑलराउंडर लाइक शिल्पा और हिना और विकास सो दैट वे चर्चा करेंगे बिकॉज बहुत सारे वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होने वाले हैं इस बार आई विल एक्चुअली वॉन्ट टू लिव इन दैट हाउस फॉर अ वीक एट लीस्ट बिकॉज वो घर कुछ नहीं बदला है सिर्फ डेकोर बदल गया है रंग बदल गया थीम बदल गया है इट्स आर हाउस नहीं तो हर सीजन में बदलते रहते हैं आई विल लाइक टू लिव विद देम एंड टेल देम वॉट कैन यू डू दैट आई हैव नॉट डन आई एम रिग्रेटिंग दैट आई कुड हैव डन सो मच इन माई सीजन एंड अच्छाई के कारण निकल गया बट हाँ मैं थोड़ा और बेहतर कर सकता था तो शायद जाके वो रेक्टिफाई करूँगा विचित्र जोड़ी जो है इस सीज़न का थीम है आई थिंक आउट ऑफ ऑल द जोड़ीज अनूप जी और जसलीन जी का जोड़ी ही विचित्र है क्योंकि एज गैप भी है ये गुरु शिष्य भी हैं और बाहर जब गए थे निकलने के पहले लाइक आने से पहले उन्होंने बोला था कि यू नो वी आर अ कपल एंड वी आर इन लव अंदर जाके वैसे कुछ दिख नहीं रहा है थोड़ा थोड़ा सा लिपस्टिक लग रहा है पप्पियाँ लग रही हैं दैट्स ऑल एंड अभी तो ये भी हो गया है कि जोड़ी तोड़ दी उन्होंने ये स्ट्रैटेजी भी हो सकता है कि अंदर जाना है जसलीन को प्लेटफॉर्म देना है उसके बाद अनूप जी इज़ ऑल फाइन बिकॉज जसलीन कैन हैंडल इट अंदर जाने तक का था वैसे भी हो सकता है ना आई एम वर्किंग ऑन माई फैशन प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग टू वेब सीरीज एंड वन शॉर्ट फिल्म और कुछ हैं मैं ज़रूर आपको बुलाऊँगा सबको बुलाऊँगा आइएगा ज़रूर We have to understand somebody's past. और वो घर ऐसा है कि बहुत प्रेशर होता है उस घर में और वो पास्ट में कॉन्ट्रोवर्शियल रह चुके हैं जैसे सलमान सर ने कहा है कि हम दोनों इससे बदतर जगह में रह चुके हैं मतलब वी ऑल अंडरस्टैंड सो उसके बावजूद वो एक इंटरनेशनल स्टार थे एंड ऐसे रहना प्रेशर में रहना कंट्रोल करना इमोशंस को गुस्से को इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम एटलीस्ट बिकॉज वो खुले थे लोग तो यहाँ पे प्रैक्टिस करके आए हैं कि रहना है बिग बॉस में वो बड़े आज़ाद किस्म के हैं बट सेंटिमेंटल भी हैं बार बार पे घर से भागने की बात कर रहे हैं बट ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन सो ही शुड बी मोर टफर आई थिंक ही इज़ गोइंग टू डू बेटर व्हाट डिड यू ईट ऑन 1st of January 2017 What did you eat on 1st of January 2017? You don't remember, right? So I would not know about this thing, yaar. Abhi Big Boss chal raha hai, enjoy karte hai na. Agar kisi ne galat kiya hai, to ye galat hai. Koi bhi ho. Agar hum koi bhi mudde pe nara uthate ki desh hume aisa hona chahiye, freedom of speech chahiye, to agar koi bada ya chota koi bhi galat karta, to saza milni chahiye. Agar koi jhoota aarop laga raha hai, to wo bhi galat hai. और मे बी तनुश्री वॉन्टेड टू गेट इन टू बिग बॉस
इट्स अ कमबैक या बिकॉज नाम तो उठ रहा था बट आई डोंट नो यार नहीं गई तो क्या ये न्यूज़ करने से मिल जाएंगे. बिग बॉस में आने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं. हाँ यू नेवर नो क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सी में भी सच्चाई भी हो सकती है झूठ भी हो सकता है. सो एक्चुअली नो कमेंट्स ईच टू हिज ओन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.